नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेम्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं कमलेश कुमार। आज हम लोग जानेंगे गंगा नाम का मतलब और गंगा नाम के राशिफल के बारे में। दोस्तों साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि गंगा कौन से धर्म के लोगों का नाम होता है और गंगा नाम के लोगों के लिए कौन सा अंक शुभ होता है, कौन सा रंग शुभ होता है, कौन सा दिन शुभ होता है और कौन सा पत्थर शुभ होता है। दोस्तों वीडियो के अंत में सबसे खास बात यह जानेंगे कि गंगा नाम के लोग कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं जहां इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गंगा नाम का मतलब। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि गंगा नाम का मतलब होता है गंगा नदी। गंगा नदी को गंगा कहा जाता है या शांतनु से शादी की को गंगा कहा जाता है या पवित्र नदी की देवी को गंगा कहा जाता है या भीष्म की माता को भी गंगा कहा जाता है। दोस्तों गंगा नाम का अंग्रेजी में अर्थ जाने तो आप सभी को बता दें रिवर गंगा को गंगा कहा जाता है। और धर्म की बात करें तो आप सभी को बता दें हिंदू धर्म में लड़की का नाम गंगा होता है। दोस्तों राशिफल की बात करें तो कुंभ राशि शुभ होता है और शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक 3 होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं शुभ रंग की बात। तो आप सभी को बता दें कि गंगा नाम के लड़कियों के लिए शुभ रंग हल्का नीला और बैगनी होता है। और शुभ दिन की बात करें तो शुभ दिन शनिवार होता है। शुभ पत्थर की बात करें तो नीलम रत्न शुभ होता है। दोस्तों वीडियो के अंत में सबसे खास बात यह जानते हैं कि गंगा नाम की लड़कियाँ कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकती हैं। तो आप सभी को बता दें ये सेना में जा सकती हैं, टेक्निकल कार, मेडिसिन के क्षेत्र में रोजगार या बिजनेस कर सकती हैं जहां गंगा नाम के लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये खास बातें थी गंगा नाम के लड़कियों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपको भी किसी नाम का अर्थ जानना हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नाम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।